हेलो एंड वेलकम टू एन एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ कॉमन सेंस। मैं हूं आपके साथ रजत सेठी, जो कि कॉमन सेंस का आज का एपिसोड लेकर आया हूं बहु प्लाजा में। बहु प्लाजा में हम लोगों की कॉमन सेंस को चेक करेंगे, देखेंगे कितने लोगों में कॉमन सेंस है। पर शो शुरू करने से पहले हम आपको दिखाएंगे हर बार की तरह हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिसको देखकर आपकी नॉलेज जरूर बढ़ेगी। तो देखिए हमारा आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों ये तो था आज का हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट, उम्मीद करते हैं आपकी नॉलेज इस फैक्ट को देख के जरूर बढ़ी होगी और आपको ये फैक्ट अच्छा लगा होगा। करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम की शुरुआत। जो हमारा आज का पहला सवाल है जो हम लोगों से पूछने जा रहे हैं वो है कि टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी। जी हाँ, टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी, ये एक कॉमन सेंस वाला सवाल है। बहु प्लाजा में हम लोगों की कॉमन सेंस चेक करेंगे, ये सवाल पूछेंगे सबसे पहले जाकर। तो आइए चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं वो इस सवाल का जवाब दे पाते हैं या नहीं। जी आज हम कॉमन सेंस को लेकर बाहु प्लाजा में आए हैं। बाहु प्लाजा में हम लोगों की कॉमन सेंस को चेक कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े आए हैं, उनसे बात करते हैं कि टीपू सुल्तान पता ना आपको कौन था? हाँ जी पता था। टीपू सुल्तान की डेथ उसकी कौन सी जंग में हुई थी? इसका मुझे नो आइडिया, हिस्ट्री पढ़ी है मैंने बट नॉट रिमेम्बर प्रॉपर डेट। सोचिए ना, कॉमन सेंस वाला सवाल है ये, हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड नहीं है, कॉमन सेंस लगाओगे तो जवाब दोगे। आई थिंक टीपू सुल्तान बिफोर 1947 से ही उसकी आई थिंक डेथ हुई है, मुझे कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है। कॉमन सेंस कितनी कॉमन है आज के ज़माने में? पर क्या पता कितनी है। आप में है कॉमन सेंस? हाँ जी है। सवाल पूछने वाला है कॉमन सेंस का, पूछिए। टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी? टीपू सुल्तान पता कौन था? पता है। कौन सी जंग में उसकी मौत हुई थी? अब इतना आइडिया नहीं है, थोड़ा सोचो ना, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस वाला सवाल है। ऐसे कुछ तुक्का मार दो, पता है कब राजा कब था वो? कुछ आइडिया नहीं है उसका, कोई आइडिया नहीं। सॉरी, सवाल एक पूछने वाला कॉमन सेंस का। जी सर, अच्छा बताइए टीपू सुल्तान पता कौन था? टीपू सुल्तान नाम तो सुना है ऐसे, ऐसे पता नहीं है कौन था। हाँ ऐसे पता नहीं कौन था, बंदा नहीं पता कौन था, ये फाइटर था कोई। फाइटर था। टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी? ओ नहीं पता, थोड़ा सोचो ना, स्कूल में पढ़ाया होता कभी कभी, स्कूल में ध्यान देते थे पढ़ाई पे। पहले में पहली जंग में डेथ होगी उसकी। वो क्यों पहली में क्यों होगी? वो थोड़ा छोटा था ना, छोटी उम्र में लड़ाई करनी शुरू। नहीं, थोड़ा यंग था। टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी? अपनी जंग में। अपनी जंग तो हारी होती है। कौन सी जंग में उसकी मौत हुई थी? आई हैव नो आईडिया, थोड़ा सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। टीपू सुल्तान स्कूल्स में तो पढ़ा होगा कि क्या था कौन था। उसकी स्वॉर्ड फेमस है, इतना पता। सर बताइए टीपू सुल्तान पता आपको कौन था? टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी? टीपू सुल्तान की मौत कौन सी जंग में हुई थी? सर इतना पता, वो राजा था बॉम्बे वाली साइड का, महाराष्ट्र वाली साइड का, और ये नहीं पता कौन सी जंग में हुई थी। थोड़ा आइडिया लगाओ ना कि कौन सी जंग में उसकी मौत हुई हो सकती है। नहीं सर, इसका नहीं पता, थोड़ा सोच लो। नहीं पता सर। पक्का? जी सर, नाम बताएं अपना। मेरा नाम चौधरी मंजूर हुसैन, मैं पचैन तहलका शिवाज से रहने वाला हूँ, ब्लॉक मेरा बलवाल है। ठीक है सर, कॉमन सेंस है आप में? सर मैं आपकी समझ नहीं आ रहा, आप मुझे बताएं कोई उर्दू में, इंग्लिश में, आप हिंदी में बताएं मुझे। मतलब सोचने समझने की वो होती है ना सेंस, एक वो है आप पे। बिल्कुल सर, मैं हर लोगों से यही गुजारिश करता हूँ, आज का तो अच्छे काम करें, अच्छे लोगों के साथ चलें और बच्चों को अपड़ों में पढ़ाएं लिखाएं, और आपका इसी में ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये तो सर आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, पर एक कॉमन सेंस वाला सवाल आपसे मैं पूछने वाला हूँ, उस बारे में सर मुझे थोड़ा क्लियर करें, मुझे उस चीज़ की पता नहीं। क्लियर सर, मैं आपको सवाल से क्लियर करूँगा ना। हाँ जी, सवाल ये है सर कि टीपू सुल्तान पता आपको कौन था? सर इसमें बार मैंने पढ़ा नहीं। टीपू सुल्तान नहीं पता आपको कौन? मैं पढ़ा जरूर है, लेकिन उस पर पूरी मैं। सवाल हमारा सर आसान सा है कि टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी? सर मैंने पेपर में देखा, मुझे याद जमाने याद नहीं रहा, पेपर में पढ़ा जरूर। पेपर में आया था कि जब वो मरा था पेपर में आया था? पेपर में आया था, इस अखबारों में आज भी दो तीन दिन पहले भी आ रहे थे वो, उनके बारे में मैंने जरूर पढ़ा। आ रहा था ना अखबारों में? बिल्कुल बिल्कुल।
बताया था कि कौन सी जंग में मरा है? बिल्कुल पढ़ा नहीं, मुझे जबानी याद नहीं रहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। फिर भी कब राज कब करते थे वो पता कुछ? काफी देर, मैंने उसके बारे में कुछ काफी हिस्ट्री पढ़ी, काफी लंबी हिस्ट्री उनकी, छोटी सी हिस्ट्री, लंबी हिस्ट्री है उसकी, उसको मुझे जबानी इसमें याद नहीं रहा, उसमें मैं आपको कुछ कह नहीं सकता, वो पढ़ा मैंने जरूर है। अच्छा, ये आपको नहीं पता कि टीपू सुल्तान की मौत कौन सी जंग में हुई? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कौन सी जंग में मरा था? बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत कंफर्म है? कंफर्म है तो कैमरे पे बोल दो, बैटल ऑफ पानीपत में मरा था वो। नहीं, 50-50 सर, कंफर्म बताओ कि कौन सी जंग में टीपू सुल्तान की मौत हुई थी? मराठा वॉर में। मराठा वॉर कंफर्म है आपको? 90% सर, कॉमन सेंस है आप में? हाँ, कॉमन सेंस हर एक आदमी होने का, आदमी क्या काम कर सकता है, और कॉमन सेंस नहीं होगा आदमी क्या काम करेगा? मतलब आप इस्तेमाल करते हो कॉमन सेंस? वो तो करनी पड़ती है अगर दुनिया में चलना है। मजबूरी में करनी पड़ती है? नहीं नहीं, मजबूरी, अगर दुनिया में चलना है तो करना पड़ता है। बिना कॉमन सेंस इस्तेमाल किए कोई आदमी चल ही नहीं सकता? नहीं, कैसे चलेगा, वो चल नहीं सकता जब तक अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा। चलिए, तो बोल रहे कॉमन सेंस टांगी होती है इंसान की। चलिए सर, आपसे एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला मैं। सर बताइए, टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी? वो तो मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा सोचो ना, मैं तो बूढ़ा हो गया, थोड़ी तो मुझे याद है। पढ़ा तो होगा कहीं ना कहीं? नहीं नहीं, बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे थोड़ी याद है। टीपू सुल्तान जहाँ तक मुझे रिमेम्बर है, वो जंग में नहीं मारा गया था, उसको बाय मिस्टेक धोखे से मारा गया था, जब वो ड्यूरिंग नमाज आई थिंक अपने उसमें बिजी था, तो पीछे से उसके ऊपर वार हुआ, जहाँ तक मुझे पता है। इस बारे में श्योर हो आप? हाँ डेफिनेट, ये वो जंग में नहीं मारा गया, आई नो। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि वो जंग में नहीं मारा था, कि किसी ने उसको धोखे से मार दिया था। बात करते हैं कुछ और लोगों से। सर नाम बता दे अपना। सुरेश। सर कॉमन सेंस आज के जमाने में कितनी कॉमन है? कॉमन ही, कॉमन नहीं है, है या नहीं है? है, है, सब में होती है, आप में है? कैसा लगता है? हमें कैसे लगेगा सर, आप बताइए ना। आपको लग रहा है? सर देखने से थोड़ा ना लगता। हाँ आप बताइए ना कि है आप। हो रहा है? महसूस कैसे होता सर आपको? मेरे को कैसे महसूस होगा? कैसे, जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई बात कर रहा हूँ आपसे, उसमें है कॉमन सेंस है कि नहीं है? सर बातों से थोड़ा ना कोई जज कर सकता। हाँ आप में है, मतलब आपको लगता है कि है? लग तो रहा है मुझे। एक सवाल पूछूंगा कॉमन सेंस वाला। सर बताइए, टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी? टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी? थोड़ा सोचो ना, कॉमन सेंस वाला सवाल है। नहीं थोड़ा सोचो, कॉमन सेंस नहीं हुई ना, ये तो आपकी जनरल नॉलेज हुई। सर जनरल नॉलेज नहीं है इसमें, कॉमन सेंस है। नहीं है कॉमन सेंस सर इसमें? सर कॉमन सेंस है इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ। टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी? स्कूल में नहीं पढ़ा टीपू सुल्तान के बारे में? बड़ा था, बड़ी पहले पढ़ा था, आज जन के छोटे स्कूल, पता कितने साल हो गए। उसके बाद से आपको मतलब स्कूल में पढ़ाया गया था वैसे कि कौन सी जंग में उसकी मौत हुई थी? पढ़ाया होगा, पर वही करो कि अब याद नहीं है ना। कुछ ऐसे अपने से बता दो ना, कौन सी सन में हुई होगी या कौन सी जंग में हुई होगी। इसको पता चलता। टीपू सुल्तान की मौत उसकी जो फाइनल जंग में हुई थी। फाइनल कौन सी? फाइनल जंग जो लो लास्ट जंग लड़ रहा था उसमें हुई थी। ये आपको कैसे पता चला? वो क्योंकि मुझे, मैंने पढ़ा है हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री का एक स्टूडेंट रहा हूँ। हिस्ट्री की कौन सी बुक में लिखा है कि सर उसकी फाइनल जंग में? उसने काफ़ी जंग लड़ी, मगर वो जो फाइनल जंग लास्ट जंग लड़ रहा था उसमें उसकी डेथ हो गई थी। ये कौन सी बुक में लिखा है सर ऐसी बात? हिस्ट्री में, मैंने हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हिस्ट्री की बुक्स में लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा था। और सर जो भी आपने सवाल का जवाब सही दिया, इसका क्लैपिंग होनी चाहिए। खुश हुआ। माय नेम इज़ देवशी शर्मा। आपकी कॉमन सेंस हम अभी चेक करने वाले हैं। डेफिनेटली कॉमन सेंस वैसे है आप में? या कैसे बता आपको? आई नो, आई एम इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो ठीक है, कॉमन सेंस हर कोई यूज़ नहीं ना करता। बट आई यूज़, मैं करता हूँ। आप करते हो। अच्छा, कॉमन सेंस वाला सवाल ये है आपके लिए कि टीपू सुल्तान पता कौन था? राजा था।
इंडिया में। उसकी डेथ कौन सी जंग में हुई थी? उसकी डेट्स डेथ जो हुई थी, मरा कौन सी जंग में था वो? उसकी लास्ट बैटल होगी उसी में मरा होगा। कैसे पता आपको? हिस्ट्री पढ़ी है मैंने, पता है मुझे। हिस्ट्री में ये लिखा था कि आखिरी जंग में मरा था वो। आखिरी जंग ही थी उसकी जिंदगी की, तो उसके बाद वो मर गया। ऑब्वियसली उसके बाद कोई जंग नहीं लड़ी उसने। दैट्स कॉल्ड कॉमन सेंस। कौन सी जंग में वो मर गया था टीपू सुल्तान? आखिरी जंग में ही मरा होगा अपनी, जो वो जंग लड़ी, जो आखिरी जंग हुई उसमें मरा होगा। ये कैसे पता चला आपको? आखिरी जंग में मरे, उसके मरने के बाद जंग कैसे लड़ सकता है? ये बात आपने बोली कि मरने के बाद वो जंग नहीं लड़ सकता। भैया हिस्ट्री है ये तो। नहीं सर, हिस्ट्री नहीं है, इसमें कॉमन सेंस छुपी हुई है, आप ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी? आखिरी जंग में। पक्की बात है? पक्की बात है सर। कैसे पता सर? तो आखिरी जंग भी मरेगा, जब हरी गया तो आखिरी जंग ही होगी। मैसूर के थे वैसे तो। मैसूर के थे तो कौन सी जंग में मौत हुई थी? श्रीरंगपट्टनम। पक्की बात है? पक्का। कंफर्म है तो सर कैमरे में बोल दो कि उस जंग में। कंफर्म। दोस्तों कार्यक्रम के पहले भाग में हमने लोगों से एक आसान सा सवाल पूछा था कि टीपू सुल्तान की मौत उसकी कौन सी जंग में हुई थी, जिसका जवाब जो था वो सवाल से भी आसान था कि उसकी मौत उसकी आखिरी जंग में ही हुई थी। पर लोग जो हिस्ट्री सोचने लग जाते हैं और आगे पीछे की बातें सोचते हैं और कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं करते, उनके जवाब गलत निकलते हैं। चलते हैं कार्यक्रम के हम दूसरे भाग की तरफ। दूसरे भाग में हम एक और आसान सा सवाल पूछेंगे कि मैंने एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है, तो कैसे देखा है वो हम लोगों से पूछेंगे और देखते हैं लोग इस चीज़ में कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं या नहीं और इसका जवाब वो क्या देते हैं। चले नाम बताया सर अपना। रोहन जोशी। सर मैंने एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है, कैसे देखा होगा? आपने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा, ये तो आप ही बता सकते हैं इसका आंसर। रीजन में पूछ रहे हैं कैसे हो सकता है ये चीज। मेरे हिसाब से मतलब मेरे को तो रीजन पता नहीं इस चीज का कि हाउ कैन अ डेड मैन वॉक अलाइव, डेड डॉग सॉरी। थोड़ा सोचिए सर, कॉमन सेंस वाला सवाल है। मैंने परसों ही देखा है एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए, कैसे देखा होगा बताओ? हॉट डॉग तो नहीं देखा? हॉट डॉग। हॉट डॉग क्या हुआ सर? हॉट डॉग का कब का बर्गर हो गया। कॉमन सेंस है आप में? कॉमन सेंस ही तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि सेंस नहीं है इसलिए कॉमन नहीं है। लोग तो बोलते हैं हमें कॉमन सेंस है, आप बोल रहे हो मेरे में सेंस ही नहीं है। सेंस नहीं है, सेंस कॉमन नहीं है, मैंने ये बोला। मैंने ये नहीं कहा कि कॉमन सेंस। कॉमन मीन्स कि सेंस तो है मगर सेंस कॉमन नहीं है। आप में कॉमन सेंस है? नहीं, कॉमन सेंस नहीं है। सेंस है? सेंस है। कॉमन सेंस? कॉमन नहीं है, सेंस जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है सर, आपसे कॉमन सेंस वाला सवाल पूछने वाला हूँ मैं। आपने आज तक कभी मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा? मरे हुए कुत्ते को? हाँ मैंने बिल्कुल देखा। कहाँ पे देखा सर? मैंने लेह में देखा, लद्दाख। वहाँ पे कैसे देखा आपने? लद्दाख में क्या होता है कि जब माइनस टेम्परेचर होता है उनको एनर्जेटिक जो उनकी जो जो ब्रीड होते ना उनको क्या होता है कि उसमें उसका पावर जो है वैसी मिलती है, इस वजह से वो मर के भी चलते हैं। मर के वो खड़े हो जाते हैं, चलने शुरू हो जाते हैं? नहीं, रेंगते हैं। सर मरा हुआ कुत्ता कैसे चल सकता है? चल रहा है ना वो, सोचो कैसे देखा होगा। नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैंने अभी परसों देखा था, पर कैसे देखा था वो आप सोचो। ये पॉसिबल ही नहीं, आप कॉमन सेंस लगाइए इसमें, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? कॉमन सेंस लगा के ही बोल रहा हूँ ना, मैंने देखा है परसों, पर आप बताइए कैसे देखा होगा। किसी को हॉट डॉग खाते हुए देखा होगा। अब गॉड नोज, अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर कोई मर जाता है तो वो कैसे चल सकता है? सर आपने कभी किसी मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है? कभी नहीं। मैंने अगर देखा है परसों तो वो कैसे देखा होगा सोचो। मरे हुए कुत्ते को चलते हुए? चलते हुए चलाते हुए? चलाते कहाँ से आया सर, मैं बोल रहा हूँ मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखना है, कैसे देखा होगा सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ। सपने में देखा होगा? सपने में नहीं सर। सपने में देखा होगा, रियलिटी में? मैंने रियलिटी में परसों देखा मरे हुए कुत्ते को चलते हुए, कैसे देखा होगा पता नहीं। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ ही बोल रहे हो, सपने में देखा होगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने देखा है परसों। सपने में देखा होगा, सच ही बोल रहे हो? रियलिटी में देखा? सपना भी रियलिटी में आता भाई। ये कौन सी साइंस आप लगा रहे हो सपना रियलिटी वाला? ये कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा? मैंने देखा ना, पर वो आप बताओ ना कैसे देखा। ना सपने में देखा होगा। चलो ये तो बोल रहे सपने में देखा होगा और किसी तरीके से नहीं देख सकते, बात करते हैं कुछ और लोगों से।
क्या आपने कभी एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा? सर नहीं देखा। मैंने अगर देखा तो मैंने कैसे देखा होगा? नहीं, आप जैसे मर्जी बोले, उसको मैंने नहीं देखा। जो लैंग्वेज नहीं करूँगा उसको, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मरा आदमी जिंदा कभी नहीं हो सकता, इसमें जो मुझे कहें। आदमी मरे हुए को जिंदा नहीं करना। कुत्ता है, मरा जिंदा हो ही नहीं सकता। जिंदा नहीं करना उसको, मैं आपको बोल रहा हूँ। मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखना, मैंने देखा है, कैसे देखा होगा? वो चल ही नहीं सकता, वो उसको कैसे चलाएंगे? चल ही नहीं सकता, मरा को कहाँ चल सकता? थोड़ा सोचो ना, मैंने मरे हुए कुत्ते को जरूर है, आप सोचें जरूर, वो चल ही नहीं सकता, उसमें क्या कह सकता है? मैंने मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? ख्वाब में आपने जरूर देखा हो, लेकिन ऐसे नहीं देखा। सच्चाई में देखा मैंने। ख्वाब में जरूर देखा हो, सुखने में जरूर देखा हो, मैं ऐसे नहीं देखा। सच्चाई में नहीं देखा होगा? नहीं नहीं देखा, मैं बोल रहा हूँ सच्चाई में देखा। चल देखा फिर, आप जोर से बोलो, मैं मानूंगा। मरे कुत्ते को चलते हुए देखा? चलते हुए देखा नहीं, अभी तक तो नहीं। मैंने सर अभी परसों देखा है एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए। कैसे देखा होगा? मरे हुए कुत्ते को चलते हुए, सोचो ना सर, थोड़ा दिमाग लगाओ, बोल पाओगे आप? दिमाग ही लगा रहा हूँ। मैंने सर एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है परसों। कैसे देखा होगा? चलते हुए देखा। मर गया वो, कैसे चल सकता है यार, कैसे बातें करोगे? मैं बोल रहा हूँ सर, मैंने एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा। फिर आपने स्वप्न में देखा? स्वप्न में देखा? नहीं सर, असली में देखा। नहीं नहीं, स्वप्न में देखा। असली में देखा? ना ना, स्वप्न में देखा, हो नहीं सकता। पक्की बात है सर, नहीं हो सकता ना। कैसे हो आपने देखा? स्वप्न में देखा? स्वप्न बाद में बहुत कुछ देखता है। मान जाए सर, आपकी पैदा होता है फिर मर, मेरा मुझे एक मेरा बाप आया था सपने में, खुद आया मेरा बाप। मैं ये कैसे जिंदा हो गया? मैं खुद आ रहा हूँ सुबह, देख जब मैं सुबह आँखें खुल गई, मैं कर मेरा बाप तो जिंदा है। फिर थोड़ा बीबी ने कहा, यार ऐसे करें आप, वो तो कब को मर गया? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? आई कांट से वो तो। मैं अगर बोल रहा हूँ मैंने परसों मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा, तो वो कैसे देखा होगा? मरे कुत्ते को चलते हुए देखा, अब मरा हुआ कुत्ता उसको उठा के लेते जा रहा होगा शायद यहाँ से। मरा हुआ कुत्ता कैसे चल सकता है यार? अब वो आप सोचो ना, कि मैंने एक मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा परसों, तो कैसे देखा होगा? नो आइडिया। नो आइडिया? आपको कुछ थोड़ा दिमाग में कुछ आ रहा है? नहीं। कैसे हो सकती है ये चीज़? हो भी सकती है, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, कोई पजल है ये, झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे आप, कोई पजल है। अब मैंने देखा तो वो कैसे देखा होगा, वो आप सोचो ना। नहीं, वो आप बता दो। मैं क्यों बताऊँ सर, आप बताइए ना। नहीं, आप बताएंगे तो मैं समझ पाऊंगा ना कि कैसे देखा। मुझे तो पता नहीं कैसे देखा। ऐसे नहीं देख सकते आप, बता नहीं सकते। नहीं, मुझे तो मैंने देखा नहीं, यहाँ तो देखा नहीं। लद्दाख में ही हो सकता? लद्दाख में हो सकता? ये बोल रहे सिर्फ मरे हुए कुत्ते लद्दाख में चल सकते हैं, लद्दाख के अलावा दुनिया के किसी हिस्से में नहीं चल सकते। मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखना, बस कैसे देखेंगे? चलते हुए देखना है, मरे हुए कुत्ते को भी चलते हुए देखना है, उसका वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेंगे। चल रही है ये तो बोल रहे हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे उसका, या फिर हॉट डॉग हो सकता है, हॉट डॉग चल रहा हो तो वो मरा हुआ कुत्ता चलेगा। बात करते कुछ और लोगों से। मरे हुए कुत्ते को चलते हुए कोई उठा के लेके जा रहा होगा उसको? कोई उठा के नहीं ले जा रहा सर। मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखना, कैसे देखेंगे? आप चल रहे हैं, कुत्ता मरा हुआ तो देख सकते हो आराम से। कुत्ता मरा हुआ, हम चल रहे हैं, देख सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये क्या कॉमन सेंस लगाइए अभी? हाँ, ये कॉमन सेंस है। मतलब आप में कॉमन सेंस है? आप सुन, वो तो आप जज करेंगे ना। ठीक है जी, इन्होंने तो साबित कर दिया इनमें कॉमन सेंस है। बात करते हैं कुछ और लोगों से। अब कुत्ता मरा होता आप तो चल रहे थे ना, आप नहीं चलते थे? देखा, कुत्ता मरा होता आपने चलते चलते देखा, ये कैसे हो? कॉमन सेंस। दोस्तों, दूसरे भाग में भी हमने एक आसान सा सवाल पूछा था कि मरे हुए कुत्ते को मैंने चलते हुए देखा है, पर कैसे देखा है वो हम लोगों से पूछने की कोशिश कर रहे थे, पर लोग इस सवाल से हमारे भाग रहे थे, जवाब देना नहीं चाहते थे, और जो जवाब दे रहे थे उनके जवाब ज़्यादातर गलत ही थे, क्योंकि वो कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हमने एक सवाल पूछा था कि मरे हुए कुत्ते को हमने चलते हुए देखा, तो वो कैसे देखा होगा? एक मरा हुआ कुत्ता है, हम उसको चलते चलते देख रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिग डील नहीं है, सिर्फ हम कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे थे, और कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की देरी थी। जो लोग कॉमन सेंस इस्तेमाल कर रहे थे वो इसका जवाब सही दे रहे थे। चलते हैं कार्यक्रम की तीसरी भाग की तरफ। तीसरे भाग में हम एक और टंग ट्विस्टर पूछने वाले हैं लोगों से। टंग ट्विस्टर ये है हमारा कि प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट हम लोगों को बोलेंगे 5 बार तेज तेज बोलने के लिए। तो आइए चलते हैं लोगों के पास और देखते हैं कि वो इस टंग ट्विस्टर को बोल पाते हैं या नहीं। नाम बता दो अपना। मेरा नाम शिवा। कहते हैं टंग ट्विस्टर बच्चे अच्छे से बोलते हैं। हाँ ना, बोलते हैं। बोलोगे आप? हाँ। आपने बोला प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट 5 बार तेज तेज। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, तेज तेज बोला। प्रॉपर कॉपर कॉफी। बोलो, करो ट्राई। प्रॉपर क्रॉपर कॉफी नहीं बोला जा रहा। ट्राई करो, ट्राई। प्रॉपर क्रॉपर नहीं हो
हाँ बोलो। प्रॉपर प्रॉपर कॉफी ट्रैक, प्रॉपर प्रॉपर कॉफी ट्रैक, प्रॉपर प्रॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर प्रॉपर कॉफी ट्रैक, प्रॉपर प्रॉपर कॉफी ट्रैक, नहीं बोल प्रॉपर प्रॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर प्रॉपर कॉपर कॉफी बॉय, कॉफी पॉट 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 कॉफी पॉट, प्रॉपर नहीं बोले जा रहा है। आप बड़े हंस रहे, आप बोलो। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, 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 बोल गए आप। इन सब में सबसे स्मार्ट निकले आप। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर बॉडी पॉट, प्रॉपर 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 बॉडी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, तेज भाई, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर बॉडी कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। गलत हो गया बीच में एक बार। हाँ दैट होता ही है। प्रॉपर प्रॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर प्रॉपर पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर टॉपर हो ही नहीं रहा। ट्राई करो ना, रामदेव बाबा भी बोलता कि वो करने से होगा। प्रॉपर प्रॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर 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 नहीं भाई, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर 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 कॉपर, कॉपर होता ना कॉपर, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर प्रॉपर कॉफी पॉट। कैमरे में बोल दो, नहीं हो रहा। प्रॉपर प्रॉपर बोलो, नहीं हो रहा मेरे से, नहीं हो रहा। सर आपने बोलना है प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, पांच बार तेज तेज। प्रॉपर कॉफी, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। हाँ बस इजी है, बोलिए पांच बार तेज तेज। बहुत इजी है, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। हाँ बस ठीक है, बोल दिया। पांच बार बोलना सर तेज तेज। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। क्या बोल रहे हैं अब इसके लिए मेरे को कोई गिफ्ट दे रहे हैं क्या आप? कोई गिफ्ट भी मिलना चाहिए। सर गिफ्ट आपको मिलेगा ना कि हम ये घोषित कर देंगे आप में कॉमन सेंस है। नहीं कॉमन सेंस नहीं है, सेंस है मगर कॉमन नहीं है। वही सेंस है पर कॉमन नहीं, कॉमन नहीं है। हाँ सेंस है मगर कॉमन नहीं। तेज तेज बोलना सर, पांच बार तेज तेज। प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर क्रॉपर कॉफी। गलत हो गया क्या? ट्राई कीजिए, कुछ नहीं होता, करने से ही होगा। ओके, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट, प्रॉपर कॉपर कॉफी पॉट। बोलिए आपने। यस आई कैन, थैंक यू, ठीक है सर। दोस्तों टंग ट्विस्टर हम लोगों से इसीलिए पूछते हैं ताकि उनकी फंबलिंग की प्रॉब्लम दूर हो और वो ठीक से बोल पाएं। आज के प्रोग्राम में हमने बाहू प्लाजा में लोगों की कॉमन सेंस को चेक किया था, वो आपने खुद देखा होगा कि कितने लोगों में कॉमन सेंस है और कितनों में नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे आज के प्रोग्राम में मजा आया होगा, एंटरटेनमेंट हुआ होगा आपका और आपने कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी शुरू कर दी होगी। ये हमारा प्रोग्राम आप हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/jkdigitalmedia। साथ ही कॉमन सेंस के सवाल अगर बताना चाहते हैं हमें या फिर लोकेशंस बताना चाहते हैं जहां पर आप चाहते हैं हम कॉमन सेंस आकर करें तो हमें व्हाट्सएप पर भी बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8716964444। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कॉमन सेंस के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी कि रजत सेठी को और कैमरामैन दीपक कुमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।